हेलो भाई। हाँ भैया, कहाँ से आप? मैं यहीं बोरामंडे से हूँ। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, टीआरएस गवर्नमेंट कैसी कर रहा है अभी पालना? अभी तक तो बहुत बहुत अच्छा किया केसीआर साहब ने। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट सीएम भी यानी कि तेलंगाना का केसीआर ही हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं दो डबल बेडरूम जो हामी दिया था जो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी तो वोट नहीं डालते बोल के बोल रहे हैं। अभी नहीं, वो डबल बेडरूम का वो एक यानी कि उसको साइड में रखो, लेकिन उसको छोड़ करके बहुत सारे काम किए, जैसा कि शादी वगैरह में यानी कि गरीब लड़कियों को पैसा देना, और जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है जो भी लोग का किट रहता वो पूरा देना, और अपना आरोग्यश्री में अपना जो भी मरीज का इलाज है वो सब कराना, ये सब बहुत कुछ किया केसीआर सर ने। तो अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट आया, तो इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट था, सो उन लोगों भी अच्छा किया ना आपने को हैदराबाद में डेवलपमेंट सिर्फ कुछ पताकाल भी सब तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी ये टीआरएस गवर्नमेंट कैसे था, उससे बढ़िया है और कम है? अब यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी अच्छा था, लेकिन जब हम यानी कि उतना मिश्र नहीं था हम, समझे ना, तो अपन को उतना जब उतना आइडिया नहीं था उन लोग के बारे में, लेकिन जब से हम यानी कि ज़्यादा मैच्योर हुआ तो केसीआर की हुकूमत ही देखा। सो केसीआर की हुकूमत जो है हमें बहुत पसंद आई। सो केसीआर तो अभी टीआरएस पार्टी को बीआरएस बनाया ना जो सेंट्रल में चल रहा है अभी, सो सेंट्रल में कितना तक काम कर सकते हैं अभी, बीआरएस पार्टी का फोकस कितना तक रहेगा? अगर केसीआर सर यहाँ की तरह अगर दूसरे यानी कि स्टेजेस में भी अगर ऐसे ही काम करेंगे तो सेंट्रल में भी आने के चांसेस है बीआरएस को। तो नेक्स्ट सीएम कौन से रख सकते हैं, केटीआर केसीआर? मेरे हिसाब से फिर से एक बार केसीआर सर को एक चांस देना चाहिए, फिर नेक्स्ट उसके बाद में बात का बाद में देखेंगे, अभी एक बार तो केसीआर सर पे आने चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।